हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग सर्टिगेटी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपनी वीडियोस में बोलना भूल जाता था, दैट इज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो उस सब्सक्राइब का कोई फायदा नहीं है। एंड गाइस, आज की वीडियो की बात करें तो आपको फ्रेम में दिख रहा होगा प्रियंका नहीं है, बिकॉज प्रियंका के पेपर चल रहे हैं, कल उसका लास्ट पेपर है। तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आज अकेला जाता हूँ बढ़िया बढ़िया फूड ट्राई करने। अकेला नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने एक सब्सक्राइबर के साथ। आप में से ही कई लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें डिफरेंट डिफरेंट हिडन जेम्स, तो आज मैंने सोचा क्यों ना उसमें से ही एक सब्सक्राइबर के साथ जाया जाए और बढ़िया सी वीडियो बनाई जाए। एंड गाइस, जैसे वो आज हमारी वीडियो में आ रहे हैं, आप भी आ सकते हो हमारी वीडियो में एक बहुत छोटा सा प्रोसेस फॉलो करके। यू जस्ट हैव टू गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज साडी गड्डी। वहाँ पे यू विल फाइंड अ पोस्ट, उसके नीचे एक नंबर डालिए 1 से लेके 1000 के बीच में, और साथ में बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप ले जाना चाहते हो हमें। बट ये ध्यान रखना कि वो नंबर ऑलरेडी रिपीटेड ना हो। उससे क्या होगा, जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसका सिलेक्ट होगा और आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे हम लाइव आएंगे और आप में से कई लोगों को रैंडमली पिक करेंगे, जिनके साथ हम बनाएंगे नेक्स्ट फूड ब्लॉग। एंड हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 2 फूड ब्लॉग आप लोगों के साथ बनाए जाएँ, वो भी विद इन अ मंथ। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे सब्सक्राइबर से, मिस्टर अनमोल। व्हाट्सअप बड़ी यार, हमेशा मैं सोचता था कई सब्सक्राइबर के साथ मिलकर वीडियो बनाऊं, बट मौका आज पहली बार मिला है। अनमोल, कैसा लग रहा है? आप हमेशा फ़ोन के उस तरफ बैठ के हमें देखते थे, आज पहली बार वीडियो के अंदर आए हो। भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। अरे विश्वास वाली क्या बात है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा फैन हूँ आपके फूड ब्लॉग का। अच्छा, पुराना मतलब सब्सक्राइबर हूँ, काफ़ी फॉलो करता हूँ। और यार एक क्वेश्चन जो लोग बार बार हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, प्रियंका यार आपसे कभी मिलने का मौका मिलेगा? आज प्रियंका तो नहीं है, बट आपने ऋषभ को याद करा, ऋषभ भागा भागा चला आया, वो बताइए कैसा लग रहा है? प्रियंका को कुछ बोलना चाहोगे आप, क्योंकि आज मैं उसे बताकर नहीं आया हूँ। प्रियंका है मिस यू। अब मैं पक्का नेक्स्ट फूड ब्लॉग में प्रियंका को लेकर आऊँगा। यार ऐसा कैसे यार, अनमोल उन्हें पहले बोला आते की भाई बहन बहन रहेगी। अच्छा, अनमोल ने यार हमें बहुत सारे डिफरेंट हिडन जेम्स बताए थे कि ले जाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाएगा, तो अनमोल उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, कौन सा आप चाहते हो कि हमें खिलाएं और मज़ा आ जाए? बस जेम्स बहुत सारे हैं, बट मेरा जो फेवरेट है वो है हांगकॉन्ग चाप बर्गर। तो चाप बर्गर, मैंने यार आलू वाला बर्गर ट्राई करा है, मैंने पनीर बर्गर ट्राई करा है, चाप बर्गर यार सुनते ही पानी आ रहा है मुँह में। अनमोल, तो जब आप ट्राई करोगे तभी आप बता सकते हो इसका टेस्ट कैसा है, क्या है, तो चलें आप बताओ। चलते हैं यार, अब अनमोल कह रहा है, लोकेशन के बारे में गाइस वहीं जाके बताऊंगा, उनका मेन्यू ओनर से भी बात कराएंगे, अभी तो मुझे खुद ही पता अनमोल हमें कहाँ ले जाने वाला है। अनमोल के कहने पे हम स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। गाइस, हम किसी शॉप में नहीं आए, एक छोटा सा क्यूट सा शॉल है। एंड मेरा कहना है कि एक अच्छा खाना प्रोवाइड करने के लिए किसी को शॉप की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टॉल से ही प्रोवाइड कर सकता है। हमारे साथ हैं मिस्टर सतीश, जो स्टॉल के ओनर है। तो सर, आप कितने साल से हो यहाँ पर? 6 साल हो गए भैया। और थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बता दूँ तो अभी मैं हूँ D12 मार्केट में, ये पूरा रोहिणी में पड़ता है। आप रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन सबसे पास है, वहाँ से आप मेट्रो पकड़ के भी आ सकते हो। वैसे गूगल मैप्स की लोकेशन मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हो। यहाँ पास में ही साई बाबा मंदिर है, बहुत फेमस, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो सेक्टर 7 में। तो सर कौन कौन सी वैरायटी होती है आपके पास? मेरे पास चाप बर्गर है, क्रीम बर्गर है, और जी टिक्की बर्गर है, स्टिक बर्गर है, और चाप बिरयानी है, और जी अफगानी बिरयानी है, तवा चाप है, और बस मुँह में पानी आ रहा है और मत बताइए। अनमोल यार बढ़िया जगह लेके आया, मैं सच बताऊं चाप का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अनमोल और मैं एक फ्रेम में आप आ रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। थोड़ा टाइम और लगेगा, आ नहीं पाएंगे। बढ़िया है, आज हम प्रियंका को नहीं लेकर आए, है ना? हाँ भाई। अनमोल आप बताइए आपको क्या खाना है, आपका कौन सा फेवरेट है यहाँ पे? चाप बर्गर से स्टार्ट करेंगे। चाप बर्गर से स्टार्ट करेंगे, बट मेरे को तो यार एक ये जो है ये क्या बोलते हैं भैया से, चाप तो चाप तवा चाप, ये जरूर ट्राई करनी है, मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है। आप देख सकते हो तेल ऊपर आ गया है, ये तभी आता है जब ग्रेवी ढंग से पक जाती है। तो मिस्टर सतीश हमारे लिए हमारा चाप बर्गर बना रहे हैं। तो ये कौन सी सॉस है? चिली सॉस है ये। चिली सॉस डाली है और उसके ऊपर इन्होंने डाली है तवा चाप की ग्रेवी, अफगानी ग्रेवी। अरे वाह मज़ा आ गया। ऑनियन, टमाटो, वो आप देखिए चाप निकाल रहे हैं, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करा और यहाँ पे रख दिया, साथ में पनीर भी डाला है और इसके ऊपर मसाला डालेंगे अभी अपना। ये फ्रेश क्रीम, ये फ्रेश अमूल क्रीम डलेगी। अरे वाह,
ये मैंने लॉक करा, ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया। गाइस आप देख सकते हो मेरा चाप बर्गर बनके बिल्कुल तैयार है, मेरे से वेट नहीं हो रहा खाने का। पर पनीर डाला हुआ है, उसके ऊपर क्रीम है, अंदर भी पनीर है, टमाटो है, ऑनियन है, दो तरह की इन्होंने चटनी डाली है। और जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो चाप, देखिए कितनी जूसी है। मेरी दोनों डिशेस मेरे पास आ गई हैं थैंक्स टू अनमोल जो मेरे को यहाँ लेकर आया। सच बताऊँ मेरे को इंतजार भी नहीं हो रहा, बट पहले अनमोल ट्राई करेगा वरना मैं आज खाऊंगा नहीं। भाई मैं ये ट्राई कर लेता हूं। अनमोल खिलाने तो मुझे बर्गर लाया था और खा तू चाप रहे। भाई ये मैं रोज खाता हूं। अच्छा रोज खाता है, प्रियंका तो डेफिनेटली मिस करेगी ये डिश। मैं बाद में भी नहीं लाऊंगा तेरे को, याद रखियो। गाइस एक क्लोजर लुक देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया लग रही है दोनों डिशेस। बाहर से बर्गर एकदम क्रिस्प है, इन्होंने इसे डीप फ्राई करा हुआ है, ऊपर पनीर डाला हुआ है, क्रीम है, अंदर वेजिटेबल है, और सबसे मेन पार्ट चाप। देखिए गाइस कितनी जूसी है, कितनी आराम से प्रेस हो रही है। और साथ में इनकी एक घर पर बनी हुई चटनी, और अनमोल मुझे बता रहे हैं 8 घंटे इस चटनी को पकाते हैं, तो वो टेस्ट मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। अनमोल ने तो अपना तवा चाप ट्राई कर लिया है, वो भी देखिए गाइस। मैं अब ट्राई करता हूँ एक बार, मज़ नहीं आ रहा कहाँ से खाऊँ। इधर से ही खाता हूँ। इस बर्गर बहुत अच्छा है, और जो स्पेशल टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है इनकी चटनी का। एकदम ऐसा लग रहा है कि चिकन बर्गर खा रहा हूँ जो मिलता हो जामा मस्जिद के पास, बिल्कुल वैसी चटनी है। चाप भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया उसका टेस्ट आ रहा है। गाइस मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा आप लोगों को यहाँ पे आना। एंड गाइस इसका प्राइस है 50 रुपीज़, थोड़ा सा कॉस्टली लगा मुझे, 40 होता तो मज़ा आ जाता। अब तवा चाप ट्राई करते हैं एक बार। ग्रेवी बहुत बढ़िया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्होंने ऊपर बिरयानी वाले राइस डाले हुए हैं जो सच में इसके टेस्ट को इन्हांस कर रहे हैं। ये है 60 रुपये की हाफ प्लेट, जिसमें आपको मिलती है 3 चाप। ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगा आप आइए ट्राई कीजिए। अनमोल थैंक्स यार, तू मेरे को ऐसी जगह पे लेकर आया। एक चीज़ और बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा Q&A, बिकॉज आप में से कई लोग हमसे पूछ रहे थे पर्सनल क्वेश्चन, जो हम सोच रहे हैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, जो हमें बेस्ट लगेगा हम वो लेंगे और आंसर देंगे। अनमोल क्वेश्चन पूछेगा ना पक्का? और दूसरे लोगों को क्या करना है बोल दे एक बार, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो घंटी बजाइए। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी सी वीडियो में, मे बी आप हो अगली वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। वाह यार अनमोल, तो प्रियंका से भी जल्दी सीख गया।